Hey, what's up people? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपने अपना 12th आर्ट से पास आउट किया है या फिर आप अपना 12th आर्ट से पास आउट करने वाले हैं और आप करियर ऑप्शंस और कोर्सेज की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज करके आपकी जॉब लग सकती है या फिर कौन कौन से जॉब ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं अगर आपने अपना 12th आर्ट से पास आउट किया है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो समझ नहीं आने वाला। अगर स्किप करना चाहते हो तो अभी से वीडियो देखना बंद कर दो। तो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस और फैक्ट्स जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे अच्छी बात दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मुझे आशा है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों, मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस YouTube चैनल पे। तो आज बात कर रहे हैं 12th आर्ट्स वालों के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से कोर्सेज है आपके पास, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज करके आपकी डायरेक्ट जॉब लग सकती है। देखिए, दो तरह के कोर्सेज होते हैं। एक प्रोफेशनल तरह के कोर्स होते हैं जिनको करने के बाद डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाती है, चाहे वो एंट्री लेवल की ही क्यों ना हो, पर आपकी एंट्री हो जाती है जॉब वर्ल्ड में। और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको आपको आगे फर्दर कंटिन्यू करना पड़ता है एक अच्छी जॉब लगवाने के लिए। तो दोनों ही चीजों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आपने अपना 12th आर्ट से पास आउट किया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर यार आर्ट से पास आउट किया तो आर्ट्स वालों को कुछ नहीं मिलता है, आर्ट्स वाले मतलब बेकार होते हैं। ऐसे लोगों ने परसेप्शन बनाया हुआ है कि अगर साइंस लिया हुआ तो बंदा बहुत होशियार है, कॉमर्स लिया हुआ तो उससे कम होशियार है, और आर्ट्स लिया है तो उसने आर्ट्स ले लिए क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला, उसने आर्ट्स ले ली, या उसके 12th में नंबर कम आए हैं इसलिए उसने आर्ट्स ले ली। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका सबसे बिगेस्ट मिथ है। अगर आप ही अपने बारे में बुरा सोचने लग जाएंगे तो लोग आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचेंगे। तो अपने लिए ये चीज मत दिल में लाइए कि मैंने आर्ट्स लिए इसलिए मैं लोगों से कम हूं। आप बिल्कुल भी कम नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी करियर चॉइसेस कैसे करते हैं, उसके हिसाब से आपका करियर आगे बनता है। सबसे पहले कोर्स जो आप कर सकते हैं जो आर्ट्स वालों के लिए सबसे फेमस कोर्स है वो है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें ये 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। इसमें आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम में अपना BA करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना चॉइस कर सकते हैं। पहला कोर्स तो ये हो गया। दूसरा आप कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है एक आर्ट स्टूडेंट के लिए। होटल मैनेजमेंट में आप BHM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये बहुत 4 साल का कोर्स है और इसमें डिप्लोमास भी होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स या शॉर्ट टर्म डिप्लोमा करने हैं वो भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है अगर आप होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। होटल मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ खाना पकाना है या फिर आपको शेफ बनना है, ये एक पार्ट है होटल मैनेजमेंट का। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स होती है होटल मैनेजमेंट में, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप, अकाउंटिंग, HR, तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स होती है होटल मैनेजमेंट में जो कि आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तीसरा जो सबसे फेमस कोर्स है वो है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग आप कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर कोडिंग में। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट आता है सॉफ्टवेयर कोडिंग में, लैंग्वेजेस में, जैसे C++, जावा, और उनको आगे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है BCA। लोग सोचते हैं BCA सिर्फ साइंस वाले कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कॉलेजेस ऐसे रिक्वायरमेंट रखते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी रहती है कि 12th में आपकी मैथ्स होनी चाहिए, बट ये कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं BCA के जो विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देते हैं। तो एक आर्ट स्टूडेंट भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहे, अगर उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तो आप BCA कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। BCA एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटाबेसेस होते हैं वो सीखते हैं, बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं, वेब डिजाइनिंग सीखते हैं। तो आने वाले समय में BCA वालों की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं इंटरनेट बढ़ रहा है, ई-कॉमर्स बढ़ रहा है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है। अगर आप एक अच्छा नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं तो आपकी डिमांड डेफिनेटली सबसे ज्यादा होने वाली है। BCA के बाद आप MCA कर सकते हैं, वो भी आपका करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा BA LLB जो 5 साल का कोर्स है, अगर आपको लॉ में अपना करियर बनाना है तो BA LLB आपके लिए हो सकता है, आप इसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनको टीचर बनना है आगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको टीचिंग में जाना होता है,
टीचिंग का मैं आपको बता दूं, टीचिंग के लिए ऐसा होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड का टीचर बनना है। मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स का टीचर बनना है तो आप बीए इकोनॉमिक्स अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ साथ में आपका बीए इकोनॉमिक्स होने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर टीचर ट्रेनिंग के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी आगे आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट मैनेजमेंट, जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, शादी वगैरह, पार्टीज वगैरह, या फिर कोई कॉर्पोरेट पार्टी वगैरह होती है जिनको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कुछ कंपनीज होती है, तो आप उन कंपनीज में आप लग सकते हैं, या फिर आप अपनी इवेंट मैनेजमेंट की खुद की कंपनी खोल सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन और बहुत ग्रोइंग करियर है जर्नलिज्म, बीजीएमसी यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो सकता है आपके लिए। और ये करियर ऐसा है जिसमें बहुत डिमांड है आज की डेट में, क्योंकि इतनी मीडिया पब्लिशिंग कंपनीज है जिनमें डिमांड बढ़ती जा रही है। खाली जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं होना कि आपको कैमरे के सामने माइक में बोलना है जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे काम और इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर मैंने आपको अपना वीडियो जो बनाया है, खाली अगर मैं इसको शूट करके डाल दूंगा तो इसको देखने कोई नहीं आएगा, इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, बहुत सारे कोर्सेज, वास्ट फील्ड है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये करियर चूज कर सकते हैं और एक बहुत बेहतरीन करियर आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा एक जो बहुत बेहतरीन करियर है वो है प्रोफेशनल आर्ट्स। अगर आपको गाना गाने का शौक है, अगर आपको गिटार बजाना आता है, अगर आपको डांस करना आता है, अगर आपको एक्टिंग करना आता है, तो क्यों ना आप इस चीज को अपना प्रोफेशनल करियर बनाएं। आप इतने डांसर देखते हैं, कोरियोग्राफर देखते हैं, इतनी मूवीज बन रही है तो उसमें डायरेक्टर्स की जरूरत है, एक्टर्स की जरूरत है, डांसर्स की जरूरत है, तो बहुत अच्छा करियर है प्रोफेशनल आर्ट्स में जो आप अपना बना सकते हैं। इसके भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, एक्टिंग में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, अपने डांसिंग की ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है। अब मैं बात कर लेता हूँ ग्राफिक डिजाइनर की। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छा करियर है, एनिमेशन वगैरह हो गया, इसके अलावा कार्टून कैसे बनते हैं, प्रोफेशनल मूवीज में एनिमेटर, एनिमेशन की, ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती है, तो उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सारे थे कोर्सेज और कुछ डिप्लोमा डिग्रीज जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जॉब करनी है अपनी ट्वेल्थ आर्ट्स के बाद, तो कौन कौन से जॉब ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। बैंकिंग में आपके लिए जॉब ऑप्शंस हो सकते हैं, क्लरिकल लेवल पे आपकी जॉब लग सकती है। हमने एक वीडियो भी बनाया है इस टॉपिक पे, बैंकिंग और प्राइवेट जॉब्स आफ्टर ट्वेल्थ क्लास, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, उस पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको डायरेक्ट करने के बाद आपकी जॉब लग जाती है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद जॉब लग ही जाए, आपको आगे नहीं पढ़ाई करनी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप BCA कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग वगैरह में है तो आप BCA करके अपनी जॉब लगवा सकते हैं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है उसको भी करके आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। अब इसके अलावा BGMC जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री करते हैं, और तो आपको कोई मीडिया हाउस आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। ऐसा मत समझिए कि अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप अपने घर जाके बैठ जाएंगे। अगर आपको अल्टीमेटली जॉब करनी है तो आपको जाके इंटरव्यूज वगैरह देने पड़ेंगे। आप इंटरव्यूज वगैरह दीजिए तो आपकी जॉब डेफिनेटली लग सकती है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपकी सिर्फ आप कॉमर्स वाले की जॉब लगती है, सिर्फ साइंस वाले की जॉब लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और ऑप्शन जो मुझे याद आ रहा है वो है कॉल सेंटर का। कॉल सेंटर में आपकी जॉब लग सकती है, और कॉल सेंटर में अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती तो आपका पैकेज और भी ज्यादा लग जाता है। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है या फिर आपको हिंदी आती है, तो भी आपके लिए बहुत सारे जॉब ऑप्शंस कॉल सेंटर्स में हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे कि आप वीडियो बनाइए ट्वेल्थ के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, बेस्ट करियर ऑप्शंस आपके लिए। तो हमने कॉमर्स वालों के लिए भी वीडियो बनाया है, इसके अलावा साइंस वालों के लिए भी वीडियो बनाया है। आप वो जाके आई बटन पे प्रेस करें देख सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी उसका आंसर करने में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक जरूर करें, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों का एक लाइक आएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करके जरूर जाए, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस और ओपिनियन से रिलेटेड वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।